हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की और यहाँ पे अकाउंटेंट की भी पोस्ट इसमें निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकती है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए एआरओ के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई हो वो अनारक्षित के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है। अनुसूचित जाति के लिए 6 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, किस तरह से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि CBT होगा, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन मेथड को जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कौन सा होने वाला है वो भी आपको इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो 36,800 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज 21 साल रखी गई और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल रखी गई। उसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ ही आपकी जो कंप्यूटर स्पीड है, कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड वो हिंदी में जो है वो न्यूनतम 30 आपके जो है वर्ड पर मिनट होने चाहिए 30, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिखा गया है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपके CBT एग्ज़ाम और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर डिटेल में आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से यहाँ पे होने वाला है, क्या सिलेबस है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है और अनारक्षित एवं अन्य पिछला वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, www.uppcl.org, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिए गए, जैसे कि जो आपका एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन आप कब से कर पाओगे, तो 9/9 से लेके 29/9/2020 तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। पेमेंट करने का भी डेट यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद आपको जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर में होने वाला है, यानी कि अक्टूबर के 4th सप्ताह में आपको लिखा गया है कि आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई है UPPCL की तरफ से, उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हो अन्य पिछला वर्ग की श्रेणी के लिए 21 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 11 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 29,800 से लेकर 94,300 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है इन कॉमर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो वाणिज्य से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 21 साल से 40 साल तक रखी गई है। मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। उसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे आपको लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ CBT एग्ज़ाम के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है उसी के द्वारा यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको इंडिया में एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा इस फार्मूले। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सेम रखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो SC ST कैंडिडेट के लिए 700 रुपीज़, बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य पिछला वर्ग के लिए यहाँ पे 1,000 रुपीज़ रखी गई है। और उसका तो विकलांग अभ्यर्थी हेतु केवल प्रकर्मण शुल्क रखा गया है जो कि 10 रुपये रखा गया है।
अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड से करना है, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेंशन की गई है, वहाँ से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो डेट है वो 9 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। पेमेंट करने का भी डेट यहाँ पे सेम रखा गया है। और CBT आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2020 में हो सकता है, अक्टूबर के 4th में आपका जो वीक है उसमें हो सकता है, यानी कि लास्ट अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम जो है वो CBT हो सकता है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होने वाला है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यही यहाँ पर डिटेल आपको इसमें दी गई है। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर पाएँ, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।